टैक्स डिडक्टेड सोर्स यानी कि TDS, आपका भी पैसा अगर TDS में कटा हुआ है और आपको पता नहीं कि कैसे उसे वापस करना है, मैं आपको इस वीडियो में डिटेल्स में बताऊंगा प्रैक्टिकली कैसे आप अपने TDS कैसे कटा है, कितना कटा है, कैसे आप चेक कर पाएंगे और कैसे आप वापस ले सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में आपको डिटेल्स में दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको करना होगा गूगल पे और आपको यहाँ पर टाइप करना होगा इनकम टैक्स। जब आप गूगल पे इनकम टैक्स टाइप करेंगे तो सबसे पहले लिंक आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर incometax.gov.in आपको इस वेबसाइट में आना होगा। इसका डायरेक्ट लिंक इस वीडियो के नीचे भी मिल जाएगा। तो इस पेज पर आने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले एक आईडी क्रिएट करना होता है। इसके लिए आप यहाँ पर बस रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। आपके सामने इस तरीके का एक पेज आएगा, यहाँ पर लेट्स गेट स्टार्टेड लिखा है। नीचे अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे, वैलिडेट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे तो आपको अपना आधार कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ और आपका सारा डिटेल्स देना होता है। इसके बाद आपका आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। आईडी एक तरह का आपका पैन कार्ड मोबाइल नंबर ही है जो कि आप लॉगिन कर सकते हैं। एक बार आपका आईडी बन जाता है तो आप यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आपके पास यूज़र आईडी वहाँ पर जनरेट होगा तो यहाँ पर डालेंगे, नहीं तो आधार नंबर और पैन कार्ड नंबर, ये तीनों नंबर से आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हो। तो अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पर डालेंगे और कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद आपने वहाँ पर जो पासवर्ड सेट किए हैं यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड आपका सही है या फिर गलत आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर टिक करना होगा। इसके बाद कंटिन्यू का जो बटन है वो एक्टिव हो जाएगा। इसके बाद क्लिक करेंगे। अगर आपका पासवर्ड नहीं पता तो वहाँ पर आप फॉरगेट करके भी कर सकते हैं। तो अगर आपके पास OTP आता है तो OTP डालकर आप लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे सामने ही डैशबोर्ड है। इसके बाद साइड में देखेंगे ई फाइल का एक लिंक है। इसके बाद माउस को जैसे ही रखेंगे नीचे आ जाएगा इनकम टैक्स रिटर्न्स। इसके बाद राइट साइड में ऐसे माउस को लाएंगे और यहाँ पर देखेंगे 4 नंबर में व्यू फॉर्म 26AS, बस आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। आपके सामने एक पॉपअप आएगा, आप यहाँ पर कन्फर्म करेंगे तो आपको एक नया पेज में ले जाएगा। इस पेज में आपको अटेंशन टैक्स पेयर्स का एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पर देखेंगे टिक करेंगे। इसके बाद प्रोसीड, तो आपके सामने यहाँ पर तीन तरह का एक मेनू आएगा। सबसे पहला जो मेनू है व्यू वेरीफाइड टैक्स क्रेडिट। इसके बाद नीचे देखेंगे एक ऑप्शन है व्यू फॉर्म 26AS, बस आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो आपके सामने फॉर्म 26AS एनुअल टैक्स स्टेटमेंट सेलेक्ट करने के लिए आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर वही डालेंगे फाइनेंशियल ईयर जो कि पिछली बार का होगा। फॉर एग्जांपल आप 2022-23 का देखना चाहते हैं तो आपको 2023-24 का असेसमेंट चुनना होगा। इसके बाद व्यू एज, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और एक ऑप्शन है यहाँ पर HTML, यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद व्यू डाउनलोड, यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने रिपोर्ट आ जाएगा नेम ऑफ डिडक्टर, कौन सा कंपनी ने आपको यहाँ पर डिडक्ट किया है। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहला है अमेजन सेलर सर्विस। जैसे कि हम एफिलिएट पे भी यहाँ पर अर्निंग करते हैं तो वहाँ से जो हमारा पैसा आता है वहाँ पर TDS डिडक्ट हो के आता है। तो यहाँ पर 10 ऑफ डिडक्टर, उनका 10 नंबर आ जाएगा। इसके बाद टोटल अमाउंट पेड क्रेडिट टू योर अकाउंट, मतलब कि आपके अकाउंट में कितना पैसा आया है आपको यहाँ पर शो करेगा। इसके बाद नेक्स्ट है टोटल टैक्स डिडक्टेड, TDS कितना रुपया काटा हुआ है यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद टोटल TDS डिपॉजिटेड टू गवर्नमेंट यानी कि ITD डिपार्टमेंट को, जैसे कि हमारा 31.52 पैसा कटा हुआ था जो कि ऑलरेडी डिपॉजिट है। तो इस तरीके से आप कोई भी ईयर का ऐसे चेक कर सकते हैं और व्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको नीचे रिपोर्ट आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे एक कंपनी है, जैसे कि हमने ऑफ स्टॉक्स में भी काम किया था। अगर आपको ऑफ स्टॉक्स में डीमैट अकाउंट बनाकर पैसे कमाना है तो इस वीडियो के नीचे लिंक आप जाके कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप सामने ही देख सकते हैं 1,63,383 रुपये हम कमा चुके थे, जिसमें 8,169 रुपया हमारा TDS कटा हुआ था। लेकिन हम कैसे किए, कौन सा ट्रिक अपनाए जो कि हमारे पास TDS वापस आया, वो भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जैसे कि आपको इस रिपोर्ट को डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पर एक्सपोर्ट एज PDF पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगा। बस आपको यहाँ पर ओपन पर क्लिक करना है और इसे आप डिटेल्स में देख सकते हैं कि डिडक्टर कौन सा है, 10 नंबर उसका क्या है, कितना पैसा आपको डिपॉजिट ऑलरेडी हुआ है और कितना पैसा काटा गया था जो कि आपको अभी तक नहीं मिला।
और भी बाकी डिटेल्स आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं आपका जो कटा हुआ TDS पैसा आप कैसे वापस ला सकते हैं, यानी कि कैसे आप रिफंड कर सकते हैं। इसके लिए अब सबसे पहला काम ये होगा कि आपको हर साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मतलब ये नहीं कि आपको हर साल पैसा देना होता है टैक्स के तौर पर। इनकम टैक्स रिटर्न वो लोग भी कर सकते हैं जो कि 7 लाख से नीचे उनका कमाई है, यानी कि अगर आपका एक फाइनेंशियल ईयर में 7 लाख रुपीज़ से आप ज़्यादा नहीं कमाते हैं तब आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। ITR फिलअप करने का जो भी 200-400 रुपया है वो आपको देना होता है, जो कि कटता ही है। अगर आप किसी और से करवाते हैं तो आपको 500 से 1000 रुपया वो लेते हैं, अगर आप खुद से करते हैं तो आप 100-200 रुपये में आपका काम हो जाएगा। 2022-23 का फाइनेंशियल ईयर चल रहा है तो इसी का फाइनेंशियल ईयर का हम ITR नेक्स्ट ईयर फाइल करेंगे। तो जब आप ITR फाइल करेंगे, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, तो आपका जो TDS का पैसा है आपके पैन नंबर के साथ कितना पैसा कटा हुआ है ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। इसके लिए आपको किसी को कॉल या फिर किसी को मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है या फिर आपको किसी को रिक्वेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। एक बार आप ITR फाइल कर देंगे तो आपका जितना भी TDS टैक्स डिडक्टेड सोर्स का जितना भी पैसा है ऑटोमेटिकली आपका लिंक्ड अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। सो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। अपने माइंड में कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए। और हाँ, अभी तक आपने इंस्टाग्राम में नहीं जोड़ा है तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर जोड़ सकते हैं।